राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में सबकी निगाहें एक ही तरफ है कि कैसे बीजेपी लगातार 25 में से 25 सीटें जीतती आ रही, उसका कोरम कैसे तोड़ा जाए और कांग्रेस लोकसभा की कुछ सीटों पर तो अपनी जगह बनाए। लेकिन अभी भी जनता की आस और उम्मीद कुछ लोगों पर बनी हुई है, जिनमें से एक नाम है मुरारी मीणा का। खबर को पूरा जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। मैं आपके साथ देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। जैसा कि आपको बताया, जनता की आस अभी भी मुरारी मीणा से बनी हुई है और मुरारी मीणा को दौसा से एक मजबूत उम्मीदवार की तरह देखा जा रहा है और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की भी बात की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कांग्रेस में से कोई सीट निकाल सकता है तो वो है मुरारी मीणा, नहीं तो फिर से 25 की 25 सीटें बीजेपी के हाथ जाएंगी और अब कांग्रेस को युवा सोच अपनाकर नई लीडरशिप को अपनाना चाहिए। नहीं तो अगर कांग्रेस पुराने बदनाम चेहरों को परोसती रहेगी तो कांग्रेस का आगे बढ़ पाना मुश्किल है। हालांकि मुरारी मीणा मौजूदा में विधायक हैं, लेकिन अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सीट पर भी उपचुनाव करवाकर कांग्रेस विधानसभा सीट को सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव निकालना है तो वो मुरारी मीणा ही निकाल सकते हैं, ऐसा तमाम सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक, जो कि पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, वो वापस अपनी तरफ ला सकती है, क्योंकि इस बार किरोड़ी लाल मीणा ने काफी हद तक वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसकाया है। और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में यह भी समझा जाना चाहिए कि बीजेपी ने किस तरह से किरोड़ी लाल के साथ बुरा किया है, उससे मीणा समाज वैसे ही नाराजगी जता रहा है। और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में यह भी समझा जाना चाहिए कि बीजेपी ने जिस तरह से किरोड़ी लाल के साथ बुरा किया है उससे मीणा समाज वैसे ही नाराजगी जता रहा है और उस नाराजगी को भी मुरारी मीणा ही खत्म कर सकते हैं और कांग्रेस की तरफ लोगों को वापस ला सकते हैं। इसके लिए भी मुरारी मीणा को सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार माना जा रहा है। इसके अलावा मुरारी मीणा के साथ साथ दो नाम और भी चल रहे, जो है महेंद्र मीणा, जिनको कहा जाता है कि ये राजेश पायलट के काफी करीबी है, और दूसरा नाम सामने आ रहा है नरेश मीणा का, जिनके लिए भी काफी लोगों का कहना है कि वो भी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा दाव मुरारी मीणा पर ही है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि महेंद्र मीणा सर्वे पर सबसे टॉप पे रहे, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस का ये टिकट बांटने का सवर पूरा होता है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट को तवज्जो देना शुरू कर दिया है और सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी और राज्य का प्रभारी बनाया है और साथ ही CWC में जगह दी है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि महेंद्र मीणा सर्वे पर सबसे टॉप पर है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से कांग्रेस का ये टिकट बांटने का सफर पूरा होता है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट को तवज्जो देना शुरू कर दिया है तो सचिन पायलट और उनको दिए गए जनरल सेक्रेटरी और एक राज्य के प्रभारी भी बनाया है और साथ ही CWC में भी जगह दी है। तो अगर इस नजर से देखा जाए तो सचिन पायलट को तवज्जो देना शुरू कर दिया गया है, तो मुरारी मीणा सचिन पायलट की टीम के अग्रणी सदस्य हुए और उस हिसाब से सचिन पायलट की बात अगर मानी गई तो मुरारी मीणा को टिकट मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट का प्रमोशन, सोनिया गांधी का राजस्थान आना, इन सब चीजों को कितना फर्क पड़ता है और कांग्रेस कितना काम करती है, और कांग्रेस अगर जीतना चाहती है तो उन्हें दौसा से ये टिकट मुरारी मीणा को देना ही चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा चार चांद।
सोच कर रहे हैं? आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।